getting some exciting vibe already from this song, bro. नमस्ते नेपाल, दिस इज आशीष एंड वेलकम बैक टू माय रिएक्शन चैनल। सो गाइस कैसे हो आप सब, आई होप सब बढ़िया बढ़िया रहना भी चाहिए। तो गाइस आज हम रिएक्शन करने जा रहे हैं सभी इनकार की के नए सॉन्ग भव्या पे। एंड भाई जिनको नहीं मालूम उनको मैं बता दूं कि मैं इनको कार्टून क्रू के टाइम से फॉलो करता आ रहा हूं। एक टाइम पे भाई कार्टून क्रू का इतना दबदबा था यूट्यूब पे, मतलब हर वीडियो सुपर डुपर हिट होती थी। जिस गाने में भी कार्टून क्रू हिस्सा करते थे वो गाना यूट्यूब पे भाई मिलियंस ऑफ मिलियंस व्यूज कमाता था। भाई इन्होंने यूट्यूब को मतलब शिकंजे में ले लिया था, मतलब यूट्यूब पे यही छाए रहते थे, ट्रेंडिंग टॉपिक यही रहता था कार्टून क्रू का। हालांकि बीच में ये सब अलग हो गए, सब मेंबर पता नहीं कहां कहां पहुंच गए। एंड ये जब ये अलग हुए तो इन्होंने अपना प्रोडक्शन बनाया जिसका नाम है रीच प्रोडक्शन, और ये अब उसी में ही काम करते हैं। एंड उसमें भी बहुत सारे हिट गाने दिए हुए हैं रीच प्रोडक्शन ने भी। देखो जब ये कार्टून क्रू में थे और उनका डांस मैं देखता था ना, तो मुझे पता था कि ही इज एन एक्सीलेंट डांसर, बट मुझे ये नहीं मालूम था कि ये एक गजब के रैपर भी है। मतलब इनके जो रैप आए थे बीच में बीस प्रोडक्शन के थ्रू, जैसे कि तोरी रैप हो गया और भी बहुत सारे रैप थे, तो भाई इन्होंने मतलब एक तरह से भाई तबाही मचा दी थी यूट्यूब पे, है ना। किसी को नहीं पता था भाई कि ही कैन रैप एज वेल। सो सिंपल भाषा में करूँ तो इज अ मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट फ्रॉम नेपाल जो कि डांस करना भी जानता है और रैप करना भी जानता है बहुत अच्छे तरीके से। तो भाई आई वॉज सो overwhelmed when I saw his you know rap song, भाई मेरे तो भाई मैं कहा यार ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है ये तो खतरनाक आर्टिस्ट है भाई, खतरनाक। तो बस यही है सविन करके का थोड़ा बहुत मेरा हिस्ट्री आपके साथ मैंने शेयर कर दी। और बीच में मुझे काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि ये सॉन्ग देख लो, जैसे एक सब्सक्राइबर ने मुझे बोला कि इंद्रायणी सॉन्ग देख लीजिए, तो मैं जरूर देखूंगा वो गाना। लेकिन अभी ना ये नए नए गाने आ रहे, तो मैं सोच रहा हूँ पहले ये नए नए गाने देख लूं, इनको निपटा लूं, और जब टाइम मिलेगा तो डेफिनेटली आई विल जो आपने रिक्वेस्ट किया गाना वो भी देखूंगा। ऐसे बात नहीं कि नहीं देखूंगा, इंद्रायणी सॉन्ग भी देखूंगा। तो पेशेंस, और प्लीज मेक श्योर कि जितना हो सके मेरी वीडियो को शेयर करें अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, एंड लाइक करवा दे भाई जितना हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपना रिएक्शन ऑन दिस सॉन्ग कॉल्ड भव्या फ्रॉम बीस प्रोडक्शन, सविन कार्की। हियर वी गो। Damn, I am excited for this song, bro. Beast Production. Here we go. Yeah. Okay, गाने का नाम लिखा है भाई। Nice reading, यार. Getting some exciting vibe already from this song, bro. नमस्ते सबैलाई, मेरो नाम सपिन केटा, हरु संग रफ केटी संग स्वीट टॉकिंग। 2 साल मगायो भयो बल्ल आज 14 अभी। वेट अ सेकंड, 2 साल बाद गाना रिलीज कर रहे हैं ये? दैट आई डिडंट नो अबाउट दैट। ओके नाइस यार, नाइस। बट तोरो अझै बात टॉकिंग बीच आई एम कमिंग, अस्ति छ नि के भए बन्नी, मैले टाउको कनि बुक्ने कुकुर रहेछ त्यहाँ, चेक्न कसले सक्छ यहाँ, तेरो हुन्न होला ब्या मुला थोबडा हेर्न म एउटा ग्याङ छ मेरो, अर्को ग्याङ के छ, हाम्रो पनि घरमा नयाँ रङ्गिन टिभी ल्या छ, अर्को दिन दिन लाइन छ दिन्छु प्याच छ, सौ पछि लिन्छु मलाई अहिले चाहियो ब्याज, चाहियो ब्याज। Damn, this is holy smoke song, bro. दशा ग्रह सबै मैले पूजा गरी कटाए, टोलको चुवा केटी मैले आँखा चिम्ली पटाए, पचास रुपे साग मैले पाँच रुपे गटाए, पाँच रुपे बोकी मैले केटीहरूलाई नचाइया, माता सरस्वतीले दिनु भएको जादु, माता सरस्वतीले दिनु भएको जादु, बुद्धि देख्छ मेरो अब काले हाट। Damn, she's hot, bro. चुलास्ते जाड बाको आछु आछु। Why, nice transition, huh? गीत सकाउनु पर्यो नि, गीत के गर्नु त
पार्ज मेरो समुद्र मन्थन कहिले अमृत कहिले बीस पारा मेरो दुई थरीको कहिले सबिन कहिले बीस फ्लो मेरो सलल बग्ने आफ्नै बिटो आफ्नै मिक्स एउटा गाना सुपर हिटमा कसम पुरै वर्ल्ड टुर फेरा पातहरू आउट बुद्धिजीवी जति सबिन मेरो क्षमतामा डाउट गर्ने हरलाई पनि लबिन लागे पनि जति गाउ म त आफ्नै बाटो हिडिङ सारा नेपालीलाई प्राउड नगराएसम्म नट लिभिङ बिच हो ये क्या हो गया ये सही था भाई ट्रांजिशन ये नाइस यार कस्तो गर्मी आह कुखुरी कह मुला बासी बात खा मलाई दसैँ भन्दा मन पर्छ अलि बढी तिहार मेरो शुभ चिन्तक अल द वे फ्रम लन्डन टु बिहार मस्त त लन्डन टु बिहार शुभ चिन्तक मैले ठिक्क पार्दै कागतीलाई मजासँग निचार बाँदर आफ्नो गर्नी बनाउँदैन अर्का कुनै बिगार चढ्न सफलताको पथमा आफ्नो कला सिपलाई निखार ल Welcome to the B-side. There's a best side, but welcome to the B-side. Damn, this song is amazing, bro. To be honest with you, मजा आ गया भाई गाना. It's totally energetic, bro. Energetic. Okay, so just मैंने भी ये भाई beast production का गाना सुना भव्य and भाई गाना full on energetic था from the starting of the song till the ending of the song भाई amazing भाई एक फ्रेम भी ऐसा नहीं था जहां पे लग रहा था कि ड्रॉप हो रहा है गाना वो भाई full on मस्ती गाने के अंदर फ्री स्टाइल डांस हो रहा है रैप हो रहा है भाई मजा आ गया भाई मस्त गाना है भाई मस्त मजा आ गया भाई सबिन कर्क इज एन एक्सलेंट आर्टिस्ट एंड शायद इन्होंने ये गाना लिखा भी एक मिनट में देखूं हाँ इस तो इन्होंने गाना ये लिखा भी है कंपोज भी किया है परफॉर्म भी किया है सबिन कर्क की बीस्ट एंड राम घले और इसका जो डायरेक्शन स्क्रीन प्ले एडिट जो वो भी सबिन कर्क ने किया तो भाई वो देख रहे हो ना आप कितना टैलेंटेड लौंडा है क्या जबरदस्त गाना निकाला है फुल ऑफ जोश एंड फुल ऑफ एनर्जी जो कहते हो आप बढ़िया गाना भाई मजा आ गया भाई मुझे तो भाई आई वॉज वाइबिंग विद दिस सॉन्ग भाई इतना अमेजिंग सॉन्ग है भाई इसके जो शुभ चिंतक है फ्रॉम लंडन टू बिहार ओ माई गॉड दैट वाज क्रेजी यार क्रेजी क्रेजी लाइन एंड बहुत ही अच्छे अच्छे मतलब वार्स जो सबिन कर्क ने थ्रो किए भाई बढ़िया वार्स है भाई सुन के मजा आ गया भाई मजा आ गया जो रैप था भाई भाई कहां कहां से लाइनें लिखते हैं भाई लड़कों के साथ हूं मैं रफ बट लड़कियों के साथ हूं मैं स्वीट टॉकिंग यू नो लौंडा भाई कहां कहां से लाइनें ढूंढ के लाते हैं भाई एंड भाई गाना अमेजिंग है नो डाउट बट भाई इट्स लाइक दैट कि भाई गाना एट द सेम टाइम एनर्जेटिक है फुल ऑफ एनर्जी है एंड यू नो भाई भाई वाली गाने के साथ एट द सेम टाइम भाई गाना फनी भी है भाई इसमें जो फनी फनी जो एक्सप्रेशन जो डांस वगैरह सब थे भाई मजा आगे गाना देखते देखते आई वाज जस्ट एंजॉयिंग थ्रू आउट द सॉन्ग मुझे मजा आ रहा था गाना सुनते सुनते एंड जो डांस था जो ट्रांजिशन थी ट्रांजिशन जो एक बात तो कहनी पड़ेगी सबिन कर्क की जो ट्रांजिशन होती है ना भाई बहुत ही खतरनाक होती है भाई क्या ट्रांजिशन थी यू नो इट वाज डैम गुड भाई डैम गुड आंखें चौंधियाई जाए भाई ऐसे तरीके की ट्रांजिशन करी थी सबिन कर्क ने इस गाने के अंदर भाई आई वाज सो अमेज्ड बाय द ट्रांजिशन भाई ट्रांजिशन भी बेहद ही फाड़ू थी भाई फाड़ू आग फाड़ गाना था भाई आग फाड़ मजा आ गया भाई मैं भी पता नहीं क्या क्या बोल रहा हूँ आग फाड़ क्या होता है भाई आग फाड़ मुझे नहीं पता बट इट वॉज फायर गाना फायर था पूरा एंड मजा आ गया गाना सुनते सुनते मतलब मूड जो था मेरा नेक्स्ट लेवल हो गया भाई गाना सुनते सुनते एंड क्या होता हो भाई थोड़ा यार नहीं बताता आपको
लेकिन एक चीज मैं जरूर मानता हूँ, साविन कार्की जैसा कोई नहीं। जिस तरह के ये गाने लाते हैं, लिखते हैं, यू नो डायरेक्ट करते हैं, यू नो कोरियोग्राफ करते हैं, भाई वो कोई नहीं कर सकता नेपाल में ऐसे तरीके के जो गाने। ये अब सिर्फ अपना साविन कार्की भाई ही कर सकता है भाई, और उन पर सूट भी करता है ये चीज। भाई मैंने पूरी वीडियो मैं सिर्फ एक बार ही गाने को रोका है, जहाँ पे मुझे मालूम पड़ा कि भाई 2 साल बाद आई थिंक कमबैक कर रहे हैं ये, तो भाई मुझे नहीं मालूम था ये चीज़, तो उधर ही मैंने सिर्फ गाना रोका था और उसके बाद मैंने गाना नहीं रोका, बिकॉज मन ही नहीं कर रहा भाई। सुनते जाओ भाई, वाइब करते जाओ, ऐसा गाना था भाई, मज़ा आ गया भाई। नो डाउट बेहतरीन सॉन्ग फ्रॉम साविन कार्की, एंड डांस से लेकर रैप तक, ट्रांजिशन से लेकर वीडियो क्वालिटी तक, भाई सब इस गाने में 10/10 है भाई। मैं 10/10 दूंगा इस गाने को मेरी तरफ से, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, बहुत ही कूल वाइब थी इस गाने के अंदर। एंड एक ही वर्ड जब भी मैं इस गाने को सुन रहा था, एक ही वर्ड मेरे मन में आ रहा था, वो था डैम। तो भाई ये था भाई इस गाने के लेके मेरी सोच और मेरे जो जज्बात, मेरी फीलिंग। अगर आपको पसंद आया भाई मेरा रिएक्शन, तो जरूर लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अब आप लोगों से मैं अलविदा लेता हूँ, बाय बाय नेपाल।